एक बड़ी सफलता मिली। आबकारी विभाग ने NH-51 पर एक गाड़ी को 250 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ लिया। विभाग को मुखबिर से पूर्व से सूचना थी कि गाड़ी में अवैध शराब लाई जा रही है। विभाग ने ढाबे पर खड़ी गाड़ी को जब चेक किया गया तो गाड़ी में ऊपर मुर्गी दाना भरा हुआ था, जबकि मुर्गी दाने के पीछे की साइड में अवैध शराब भरी हुई थी। सभी शराब अरुणाचल प्रदेश से तस्करी कर लाई जा रही थी। सारी पेटी अंग्रेजी शराब की थी। विभाग जानकारी करने में जुटा है कि शराब के तस्कर कौन है और यह शराब कहां पर जा रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और 235 पेटी बरामद कर ली। गाड़ी चालक और परिचालक दोनों गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आबकारी विभाग गाड़ी की जाँच में जुटा हुआ है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।